हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में अगेन मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेटिक और जो चैप्टर ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है वाहन व्यवहारिक समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये चैप्टर के अंदर ओवरऑल 3 मेथड है जिसकी मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूँ और मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट मेथड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। सम्स मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है वाईवाई खुलानी रीत नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नहीं देखा तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और सेकंड मेथड भी मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है न्यूनतम शैरिकनी रीत मिनिमम मैट्रिक्स मेथड, जिसमें मैंने आपको ये सम्स एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। अगेन आज मैं इसी मेथड का एक और सम्स लेने वाला हूँ। बोले तो ऐसा क्यों करने वाला, क्योंकि जो मैंने न्यूनतम में चलाया था मैट्रिक्स मिनिमम में, उस मेथड के अंदर सॉल्यूशन करते समय कोई भी वैल्यू दोबारा टाई नहीं हो रही थी, टाई मतलब रिपीट नहीं हो रही थी, जिससे सवाल थोड़ा इजी था। लेकिन अगर इसी मेथड को ना टफ करके भी पूछा जा सकता है, वो टफ कैसे हो सकता है कि न्यूनतम में सॉल्यूशन करने के तरीके में क्या होता था, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता था। तो उसमें क्या होगा, जब आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी सेम टू सेम तो उस समय दिक्कत आएगी, तो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा आज के वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पहली बार आ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताता हूं मैंने कौन सा सम्स लिया हुआ है। ये मैंने यूनिवर्सिटी का ही लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का मैंने लिया हुआ है ई का, ये जो सम्स है ये मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर 2012 का सम्स है। इसको हमको सॉल्व करने के लिए कहा गया है न्यूनतम शैरिकनी रीत मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ओके, ये दिख रहा हो न्यूनतम शैरिकनी रीत, सब ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किया हुआ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका वही फॉलो करने वाला, रूल्स नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले तुमने सम साइड ऑन कर लिया है, यहाँ पे पुरवठो सप्लाई दिया हुआ है, नीचे मांग और डिमांड दिया हुआ है। अब देखिए, अब सबसे पहले न्यूनतम में मिनिमम में क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले सॉल्यूशन किया जाता है, राइट ना। तो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ध्यान से देखिए, कहीं पर भी स्किप ना कीजिएगा। सबसे छोटी वैल्यू आप देखिए कितनी है, 4 है, सारी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 4 है, पर 4 एक नहीं है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है आपको, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब दिक्कत यही है, कंफ्यूजन ये कि सबसे पहले किसको अलोकेट करें, सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करें। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, बुक में लिखा नहीं गया बट मैं आपको समझाना चाहूंगी सबसे पहले कौन से 4 को सॉल्यूशन करना चाहिए, कि फर्स्ट वाले या सेकंड वाले या थर्ड वाले को। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ क्या करना चाहिए। पहले आप चेकअप कीजिए, हम लोग जो अंदर वैल्यू रखते हैं वो हमेशा कौन सी रखते हैं, मिनिमम रखते हैं, राइट ना। तो देखिए इस फॉर में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो कौन सी वैल्यू आती, तो इस फॉर के लिए या 20 और या 30, तो कौन सी वैल्यू आती, 20 आती, राइट ना, जस्ट साइड में लिख के बता रहा हूँ। अब देखिए अगर ये फॉर होता, ये फॉर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कौन सी वैल्यू रखते हैं, यहाँ 30 है या 15 है, तो हम लोग कौन सी वैल्यू रखते हैं, 15 रखते हैं, राइट, समझना ध्यान से। अब ये 4 है, इसमें अगर हम रखते हैं तो कौन सी वैल्यू रखी जाती है, 10 और 15, जो स्मॉल है वही रखते हैं, तो 10 रखते हैं, राइट। अब ये फर्स्ट 4 के लिए 20 है, सेकंड 4 के लिए 15 है और थर्ड 4 के लिए 10 है, तो आपको बता दो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, जो हाइएस्ट होगा, यहाँ पर जो अंदर हम वैल्यू रख रहे हैं ना, ये जो हाइएस्ट होने वाली उस वाले 4 को सबसे पहले सॉल्यूशन करना चाहिए। मतलब क्या है, समझ गए होंगे, जितने भी है इक्वल वाले उनको चेक करो, उसके अंदर आने वाली वैल्यू को चेक करो, उसमें जो हाईएस्ट दिखे उस वाले 4 को सबसे पहले सॉल्यूशन करना चाहिए। तो यार 20 किसका था, ये वाले 4 का था, फर्स्ट वाले का, राइट ना, तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करें, इसको सबसे पहले दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यार 20 और 30, तो 20 राइट आंसर होगा। फिर क्या करते हैं आगे, प्रोसेस आपको पता ही है, दोनों साइड से लेस कर लेते हैं, 20 में से 20 लेस किया 0, 30 में से 20 लेस किया 10, और एक नहीं तो 0 होने वाला ही है, जो 0 हुआ है उसकी बाकी सारी वैल्यू क्या कर देना होता है, हमको कैंसिल कर देना होता है। अगेन अब हमारा सम छोटा हो गया, ओनली इतना बचा, राइट, अगेन सेम प्रोसेस करना है आपको, कुछ नहीं, सेम अगेन वापस देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, फिर भी अगेन अभी छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 ही है, अब ये 4 एक नहीं है, अगेन दोबारा 2 है, तो सेम कीजिए, वापस चेक कीजिए दोनों में आने वाली वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, राइट ना। तो ये 4 में कौन सी वैल्यू आती है, दोबारा चेक कर लेने का, 30 और 15, तो क्या आती, 15 आती, राइट। ये वाले 4 में कौन सी वैल्यू रखते हैं, हम रखते हैं तो 10 रखते हैं, राइट ना। अब दोनों में जो हम लोग सिलेक्ट किए उनमें से हाईएस्ट क्या है,
15 है, क्या है 15, तो ये 15 किस फोर का था, ये वाला फोर का था। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, समझ गए होंगे आई होप। तो ये फोर को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो इस फोर के अंदर 30 और 15 तो कितना रखा जाएगा, 15 रखा जाएगा। यहाँ पे लेस कर देंगे, ये बचा अभी भी 15 और ये हो गया 0। अब ये 0 हुआ तो जानते ही आगे क्या करना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू को कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमारा सम और छोटा हो गया और सॉल्यूशन हो गया। अब इतना सा सम बचा, देख रहा समझ लो टाई हो तो तब क्या करना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। यही न्यूनतम श्रेणी का मैट्रिक्स में जाएगा खासियत है, इसी टाइप का आना के चांसेस ज्यादा है। अब इतनी वैल्यू में से सबसे छोटा दिख रहा है 5, और 5 सिंगल है और कोई 5 है कहीं पर नहीं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो डायरेक्ट सिंपल सोल्यूशन करने का, सामने देख लो 40 है, नीचे देख लो 25 है, तो कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए जो स्मॉल है, 25। यहाँ लेस करेंगे 15, या लेस करेंगे 0। अब ये 0 हो चुका है तो बाकी सारी वैल्यू को क्या कर दो, जो बचा वो कैंसल। और छोटा हो गया सम्स, अब इतनी सी वैल्यू बनी बाकी है, राइट ना। इतने में चेक कीजिए सबसे स्मॉल क्या है, 6 है और ये सिंगल ही है, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम सामने है 15, नीचे है 10, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, लेस कीजिए 5 बचेगा, लेस कीजिए 0, तो बाकी वैल्यू जो बची 0 के सामने की कैंसिल कर दीजिए। अब ऑलरेडी इतना सम्स बचा, राइट, इसमें से सबसे स्मॉल क्या है 7, सामने देखिए 5, नीचे देखिए 30, कितना रखना चाहिए जो स्मॉल है 5, लेस कीजिए 0, लेस कीजिए 25, ओके। बस नेक्स्ट प्रोसेस 8 और 7, ये दो बचा है, 0 के लिए कोई कैंसिल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, राइट ना। 8 और 9, तो सबसे पहले सॉल्यूशन किसका होगा, 8 का होगा। यहाँ कितना है 15, नीचे कितना है 25, तो रखेंगे यहाँ पर 15, लेस किया 0, लेस किया 10, और लास्ट वैल्यू के लिए आउट और दोनों साइड देखिएगा समान इक्वल ही होगा 10, ये हो गया 0 0। टेबल इज फ्रेश, आई होप आपको कंफ्यूजन का समझ में आ गया होगा। जब टाई हो तो अंदर वैल्यू चेक कीजिए, जो स्मॉल आती है उसमें से भी हाईएस्ट जो रहेगा उसी को सॉल्व करना, ये मेरा मकसद था इस वीडियो का। अब एंड कर सकते थे, पता ही है स्टेप 2 आते हैं, सारी एक्स की वैल्यू को राइट डाउन करना, ये 11, 12, 13, नीचे आते 21 हो जाता है, 22, नीचे आते 31 और नीचे आएगी 41, 10 10 इंक्रीज हो जाता है, बता चुका हूं मैं। तो राइट डाउन करता हूं, 11 तो है नहीं, ये 12 की वैल्यू बनेगी एक्स 12, तो एक्स 12 की वैल्यू हमको मिली है 20, आगे 13 14 है नहीं, नीचे आएंगे तो 21, 21 की वैल्यू कितनी मिली है एक्स 21 की मिली है 15, नेक्स्ट आगे 22, 23, 24 की वैल्यू मिली है एक्स 24 इज इक्वल टू 15, ये राइट डाउन करना कंपलसरी है। यहाँ पे 31, नीचे आएंगे वैसे क्या हो जाएगा थर्ड रो में 31, तो एक्स 31 की वैल्यू मिली है हमें 5, नेक्स्ट 32 की वैल्यू भी हमें मिली है 10, और आगे x 33 की वैल्यू भी मिली है 25, नीचे आएंगे 41 बन जाएगा, तो x 41 की वैल्यू 10, आगे कोई भी वैल्यू नहीं। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। लास्ट और फाइनल हमें आंसर राइट डाउन करना है कि कुल खर्च कितना हुआ है, कुल वाहन व्यवहार में खर्च, कुल खर्च टोटल कॉस्ट, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक्सपेंसेस और जो कॉस्ट लगा है दोनों का क्या करना है इनटू करना, जो गुड्स सप्लाई किया गया और हर एक का जो एक्सपेंस है दोनों का इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो जो जिसकी वैल्यू मिली है तो 4 इंटू 20 प्लस आगे कुछ नहीं यहाँ पर 8 इंटू 15, ये सारी प्रोसेस मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। यहाँ पर 4 इंटू 15 समझ में आ रहा है, तो लाइक तो करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा जिससे हमारी कम्युनिटी और बढ़ सके। यहाँ पर 6 इंटू 10 और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, 5 इंटू 25 प्लस नीचे है 9 इंटू 10 और कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करने पर, यहाँ पर 80, यहाँ पर 120, यहाँ पर 60, ये हो जाएगा 35, यहाँ पर 60, 125 और लास्ट में 90, और फाइनल सारा ऐड कर लीजिए तो फाइनल कॉस्ट आएगा 570। ये हमारा फाइनल आंसर है, अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो मिनिमम खर्चा आएगा, मिनिमम कॉस्ट आएगा 570, और ये न्यूनतम श्रेणी मेथड हो गया हमारा कंप्लीट। और सेकंड वीडियो मैंने कंपलसरी इसलिए बनाया क्योंकि कंफ्यूजन वाला रहेगा ही, और ऐसा सम्स हो तो इस तरह से सॉल्व करना जब टाई आ जाए तो, और इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका, जब आपको टाइम बीच में कुछ नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो बहुत इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब आपको मिल जाए एक वैल्यू एक से ज्यादा बार, तो कैसे सॉल्व करना है इसके लिए
स्पेशल वीडियो बनाना जरूरी था। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी बाय डाउट रहे, कोई क्वेरी है तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके कि वहां मैं आपको आने वाले जो भी होती इन्फॉर्मेशन मैं वहां देता हूँ कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम कब आने वाली है, एटीकेटी की सारी, तो फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।